आज मैंने चिकन बनाया है आलू के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनाया है। एक डिफरेंट रेसिपी आपको लगेगी, आपने देखना है, स्किप नहीं करना, फॉलो करना है आपने रेसिपी को। और अम्मी आई हुई हैं मेरी, तो इसके लिए जो है वो मैंने ये बनाया है सालन, तो वरना आज कुछ और बनाने का इरादा था। तो वीडियो को एंड तक देखना है, कमेंट्स करना है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना है। और इसके अलावा मैं चलती हूँ तैयारी की तरफ कि किस तरह बनाई है। तो चलिए आइए तैयार करते हैं चिकन का सालन आलू के साथ एक कमर्शियल लुक के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से हंसते मुस्कुराते खुशोखरम होंगे। आप सोच रहे होंगे आज मैं क्या दिखा रही हूँ आपको। तो सफाई की है, घर सेट वेट किया है, खिलौने बिखरे हुए थे तो खिलौने उठा कर रखे हैं। ये फिर आ गए यहाँ पे दो भालू। तो अम्मी आ रही हैं आज मेरी, साथ में बहन है, अम्मी हैं, भाई हैं, तो सफाई वगैरह कर ली। ये देखें साइकिल फिर बीच में आ गई है। तो सारा घर जो है वो सेट वेट हो गया है, कर लिया है। तो अब मैं चल रही हूँ कुकिंग की तरफ के चलें कुछ पका लेते हैं। तो सोचा कि चिकन बनाती हूँ, आलू चिकन आलू के साथ बनाऊँगी, और वो जो है ना उसको थोड़ा सा कमर्शियल टच दूँगी, थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज़ में बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने तैयारी तो कर ली है, बस वैसे ही एक राउंड लेने आई थी बाहर देखने के लिए। तो पौधों को पानी वगैरह भी दे दिया है, रात बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, तो सारी गैलरी वगैरह भी सब साफ़ कर लिया है। ये देखें माशाल्लाह पूरा घर जो है ना वो साफ़ हो चुका है। ये देखें ये बेटा जो है ना मेरा, ये लगा हुआ है नेट पे, और ये देखें सारा घर जो है ना वो साफ़ कर दिया। ये स्टोर सा है, हमने इसको एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है इधर। वैसे तो ये ड्राइंग रूम बनता है लेकिन हमारा सामान माशाल्लाह से ज़्यादा है तो हमने इसको सामान रखा हुआ है। ठीक है, धूप अब आ गई है, बारिश ख़त्म हो गई है, तो चलिए अब चलते हैं हम किचन में तो तैयारी करते हैं। तो चिकन आलू बनाने के लिए मैंने चिकन निकाल लिया था फ्रीज़र में से और वो खुल चुका है। और यहाँ पर जो है ना मैंने एक आधा कप घी जो है ना वो रख दिया है देगची में डाल के। फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। ठीक है जी, और इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ, आपको पता है। ये देखें थोड़ा सा घी जो है ना ये मेल्ट होने लग रहा है। ठीक है, ये देखें तो ना इसमें हम ना ठंडे में ही ना चिकन डाल देंगे। ठीक है, ताकि चिकन जो है ना वो फिर चिपकने लगता है, जब हम गर्म गर्म में डालते हैं तो चिकन जो है वो नीचे चिपक जाता है। तो इसलिए ना हम इसमें इस तरह चिकन डालेंगे। ये देखें इस तरह जो है ना, इस तरह एक दफ़ा घुमा लिया जाए ना घी के साथ तो चिकन जो है वो नीचे नहीं चिपकता। तो हमने ये देखें इस तरह कर लिया इसको, अब ये इंशाल्लाह नीचे नहीं चिपकेगा। तो ये फ्राई होता है ना जब गोश्त, तो मैं इसको बाहर निकालती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह चिकन जो है ना ये देखिए माशाल्लाह फ्राई हो गया है। ये देखिए, और अब मैं चिकन को जो है वो बाहर निकाल लूँगी। चिकन निकाल लेती हूँ मैं बाहर। चिकन देखिए मैंने प्लेट में बाहर निकाल दिया है। और यहाँ पर अब हमारे पास है एक खाने का चम्मच जो है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये डाल देते हैं। देखें चिकन फ्राई करते हुए साइडों पे चिपका है थोड़ा थोड़ा, अब ये जलना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसे करती हूँ कि मैं चेंज कर लेती हूँ बर्तन। ठीक है, मैं बर्तन चेंज करके फिर आपसे मिलती हूँ। बर्तन मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि जला हुआ जायका जो है वो सालन में बहुत ही बुरा लगता है, सालन ख़राब हो जाता है टोटली। तो यहाँ पर दो अदद प्याज का पेस्ट जो है वो मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको हम अच्छा सा फ्राई करेंगे। अल्लाह करे अम्मी के आने तक जल्दी जल्दी से सालन बन जाए। अच्छा जी, 2 से 3 मिनट हो गए हैं प्याज को फ्राई करते हुए। देखें इसकी रंगत जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन अभी ये भुना नहीं है सही तरीके से। तो यहाँ पर हम हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे, ये मैंने बना के रखा हुआ है। ये लॉन्ग टाइम के लिए आप बना के रख लें सालन में डालने के लिए, तो ये जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और इसकी जो रेसिपी है वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये मैं 1 चम्मच भर के इसमें शामिल करूँगी तो बहुत ही ज़बरदस्त जायका हो जाता है सालन वगैरह का, जिसमें भी आप यूज़ करेंगे। तो साथ साथ भुनेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है।
अच्छा जी हमारी प्याज जो है वो फ्राई हो रही है अच्छी सी, कलर देखें आप इसका बदल गया है। तो अब यहाँ पर हम तकरीबन एक कप जो है ना वो टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ तीन अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लेकर आप उसका पेस्ट बना लें। तो अब हम इसमें पेस्ट हमने शामिल कर दिया है, देखें साइडों से जो लगा हुआ हो उसको उतार लिया करें। तो थोड़ा सा इसे पकाएंगे। अच्छा जी मसाला जो है वो देखें कि पकना जो है वो शुरू हो गया है, ये देखें। तो अब मसाले जो हम इसमें फ़िलहाल डालेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं मसाले डालूंगी इसमें आपने फॉलो करना है। तो आधी चाय की चम्मच है कसूरी मेथी साफ़ कर ली है, मिर्चें आप हसबे जायका ले लें। तो मैंने लाल मिर्च का पाउडर जो है वो एक चाय का चम्मच भर के लिया है। आधी चाय का चम्मच हल्दी है, नमक आप हसबे ज़रूरत ले लें। मैंने एक चाय का चम्मच भर के नमक ले लिया है, एक चाय का चम्मच भर के मैंने अधड़ा मिर्च ली है यानी चिली फ्लेक्स। तो मैं इसमें डालती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें। अब इसको हम भून लेंगे 4-5 मिनट, अच्छा सा भूनेंगे ताकि मसाले जो हैं वो कच्ची कच्ची खुशबू ना आने लगे उनमें से। बहुत अच्छा सा भूनेंगे फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी 5 से 6 मिनट हमने इसको भूना है अच्छी तरह। तो मसाला हमारा भून रहा है, अभी मज़ीद भूनेगा। तो हम यहाँ पर जो चिकन फ्राई करके रखा था ना, हम ये साथ में डाल देते हैं और इसको साथ साथ भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें देखें घी था तो मैं इसमें घी जो है वो निचोड़ लेती हूँ सही करके। और अब हम इसको साथ साथ इसकी भुनाई करेंगे, मसाला भी भून जाएगा और हमारा चिकन भी भुनेगा। 1 से 2 मिनट मैं इसे भूनती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ कि आगे क्या करना है। जी 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसे भूनते हुए चिकन को, और मसाले को घी छूटना शुरू हो गया है, ये देखें। तो यहाँ पर हमने 3 अदद आलू जो थे उसको कट करके धो के रखा हुआ है। पानी में मैंने इसलिए डाला हुआ है कि इनकी रंगत ना ख़राब हो। तो मैं शामिल कर देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आलू भी जो है ना वो साथ साथ हम भून लेंगे 2-4 मिनट मज़ीद। इसकी भुनाई करने के बाद जो है ना फिर मैं आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ कि क्या करना है। साथ साथ जो है ना इसको भून लेते हैं। अच्छा जी आलूओं के साथ हमने भून लिया है और मसाला, तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं ताकि आलू और चिकन जो है वो हमारी गल जाए। और पानी हम इतना डालेंगे कि इसके गलने के बाद हमारे पास जो ग्रेवी बचे वो हमें जितनी चाहिए हो वो उतनी बचे, ठीक है। तो हमारे साथ रहिएगा तो मैं आपको बताती रहूँगी साथ साथ के अब मज़ीद क्या करना है हमें इसमें। ये देखिए साफ़ कर देती हूँ साइड से ताकि मसाला जो है जो ये चिपका हुआ है तो ये जल ना जाए, इससे इसका टेस्ट भी ख़राब होगा और देखने में भी बुरा लगता है। तो और बाकी जो है वो ज़ाया नहीं होगा, ग्रेवी जो है वो इसमें शामिल होकर जो अच्छा सा इफेक्ट देगी और टेस्ट अच्छा आएगा। तो इसको हम बंद कर देते हैं और आँच जो है वो हम धीमी रखेंगे ताकि ये हल्की हल्की आँच पर पके, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ इसके गलने के बाद, बल्कि गलने से पहले मिलूंगी ताकि मैं आपको मज़ीद बताऊं कि इसमें हमने क्या करना है। अम्मी आ गई हैं, बहन आ गई हैं, भाई भी आ गए हैं। और अम्मी जी कैसे हो, ठीक हो आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी अम्मी आ गई हैं, बैठी हैं, पानी वगैरह भी पिलाया है, बस खाना भी तैयार होने वाला है। मैंने आपको बताया था कि अम्मी आ रही हैं, तो चलिए अभी चलते हैं अपने सालन की तरफ मज़ीद। जी सालन तो अभी रखा हुआ है धीमी आंच पर, अभी गलने में आलू और चिकन के कुछ देर है। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं रोटी ताकि जल्दी जल्दी से काम हो जाए सारे। तो और मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको बताया था कि आटा जो है वो हमेशा मैं गूंद के रखती हूँ बहुत सारा, तो आटा गूंदा हुआ है प्रॉब्लम कोई नहीं है। तो चलिए मैं रोटी तैयार करती हूँ, बना ली है और रोटी मैंने बेल ली है, तवा चूल्हे पे गर्म हो रहा है तो मैं उठाकर इस पर डाल दी। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए और चिकन और आलू जो हैं वो माशाल्लाह गलने के करीब करीब हैं। तो यहाँ पर अब जो मैं चीज़ शामिल करूँगी वो आपने गौर से देखना है, फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ तैयार होगी। तो आधी से कम है ये काली मिर्च, ये टच है सिर्फ इसका, तो आधी से कम काली मिर्च डालनी है हमने, चम्मच जो है चाय का, और एक चाय का चम्मच है धनिया पाउडर और एक चाय का चम्मच है ज़ीरा। ये दरदरा कर लिया है मैंने इसको, तो हम इसमें शामिल करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई है साथ ही इन मसालों की। मैंने आपको बताया ना कि हर मसाले का अपना टाइम है खुशबू छोड़ने का और टेस्ट देने का। अगर आप सारे मसाले एक दफ़ा ही डाल देंगे तो वो अपना अपना काम नहीं करेंगे, हर मसाला जो है वो अपनी अहमियत चाहता है अलग अलग तरीके से, ठीक है ना। तो ये टाइम है इन मसालों का, तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिए। मज़ीद इसको ढक देते हैं ताकि अच्छे से ये गल जाएं।
5 मिनट बाद ढक्कन उठाया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब गल चुके हैं हमारे चिकन और आलू अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर एक चाय का चम्मच गरम मसाला है पिसा हुआ मिक्स, और ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये छिड़क कर इसको मैं मज़ीद 2 से 3 मिनट दम लगा देती हूँ। अल्लाह जी सालन हमारा जो है वो तैयार हो गया है। देखें कि माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक है इसकी, ये बिल्कुल बाज़ार वाला सालन लग रहा है और जायका भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती। साथ में हमारी रोटियां भी जो हैं वो तमाम अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार हो गई हैं, ये देखें। तो अब मैं लेके जा रही हूँ खाना बाहर। अम्मी लोगों को भूख लग रही है, इंतज़ार कर रहे हैं। तो कैसी लगी है आपको आज की वीडियो? अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और ऑल के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लें ताकि सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और वीडियो को आपने एंड तक देखना होता है और वीडियो को स्किप नहीं करना होता। और शेयर ज़रूर किया करें वीडियो, और कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह।